जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं आप लोगों का फ्रेंड फेरदौस मंडल। दोस्तों बहुत सारा फ्रेंड मुझे कटऑफ्स के बारे में पूछा, खास करके उड़ीसा से। मैं सिर्फ वही स्टूडेंट के लिए उड़ीसा का कटऑफ बताऊंगा अभी। दोस्तों कुछ चीज याद रखना पड़ता है, जो कितना कटऑफ्स पिछले साल गया था और कितने बंदा पिछले साल को उसके पीटी या पीएसटी के लिए बुलाया था। दोस्तों एक बार देख लेना चाहिए, मैं देख के आप लोगों को बताता हूँ। पिछले साल पीटी या पीएसटी के लिए आपको 11,65,942 बंदा को बुलाया था। 11,65,942 बंदा, तो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद पीटी हुआ था। तो इस साल फॉर्म फिलअप बहुत कम आया। फिर रीजनल जो लैंग्वेज है उड़ीसी जो लैंग्वेज है उसमें नहीं आया, तो इस साल हिंदी और इंग्लिश में देना पड़ा। तो स्टूडेंट के लिए इस साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है, थोड़ा सा कम भी सकता है। तो मैं जिस मार्क्स को बोलूँगा उसके साथ प्लस माइनस आप 4 पकड़ के चलिए, तो मुझे लगता है इस मार्क्स के अंदर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अभी उड़ीसा का कट ऑफ जानने के लिए आपका देखना पड़ेगा। और जो बंदा अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसके पास एक ही रिक्वेस्ट है भाई, हमारा चैनल छोटा है, प्लीज़ ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल वाला घंटी है उसको बजा दीजिए। चलो देखते हैं कितना आता है। तो दोस्तों एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 इसका काट ऑफ आप कौन सा स्टेट का है, स्टेट है ओडिशा। ओके, ओडिशा स्टेट का है। तो यू आर ओबीसी एससी एसटी एंड एक्स सर्विसमैन का पिछले साल जो था एक बार देख लेना चाहिए, और इस साल क्या होने वाला है वो भी देखना चाहिए। तो पिछले साल जो मार्क्स था मुझे लगता है पिछले साल था 46 जनरल कैटेगरी का था, ओबीसी कैटेगरी का था 43 और एससी कैटेगरी के था 43, एसटी वाला का था 41 और एक सर्विसमैन सर का था 35। एक सर्विसमैन सर का हर टाइम ही 35 रहता है। तो दोस्तों अभी क्या है देखना है इस साल कितना होगा। ये नंबर ओनली फिजिकल के लिए बुलाया था, और तब जो मेरिट लिस्ट बना था इससे शायद 2-1 नंबर बढ़ गया था, और इससे के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था। तब भी इस साल क्या हो सकता है इसके बारे में मुझे लगता है मैक्सिमम न्यूनतम मैं 2 नंबर दूंगा। इस साल मुझे लगता है यूआर के लिए 43 से लेके 48 के अंदर होना चाहिए, 43 के लेके 48 के अंदर कट ऑफ होना चाहिए। और फिजिकल के लिए बुलाएगा मैक्सिमम 40 होगा तो बहुत ज़्यादा, सिर्फ फिजिकल के लिए 40 होगा तो ये बंदा को बुला लेगा, पर सर्विस पाने के लिए चाहिए 43 से 48। ओके दोस्तों, तो अभी देखना है ओबीसी कैंडिडेट का। ओबीसी कैंडिडेट का 43 था पिछले साल, तो इस साल मैं इसको 41 से 45 के बीच में ये नंबर रखना चाहता हूँ। इसके अंदर सर्विस हो जाएगा ऐसा मुझे मानना है। और फिजिकल के लिए ये बंदा को बुलाएगा 36-7 प्लस हो जाएगा। मैं जो नंबर बोल रहा हूँ इससे जो फिजिकल के लिए बुलाएगा वो इससे भी 2-3 नंबर नीचे रहेगा, तब भी वो लोगों को फिजिकल के लिए बुला सकते हैं दोस्तों। तो अभी फिलहाल हम लोगों को एससी भाई का देखना है। एससी भाई का सेम है 41 से 45 और इसका भी फिजिकल के लिए 36 प्लस हो जाएगा तो बुलाएगा। ऐसा भी हो सकता है 33 में भी फिजिकल के लिए बुलाए। तो दोस्तों अभी एसटी बंदा का सर्विस इस साल होगा मेरा हिसाब से 39 से लेके 43 के अंदर, 43 के अंदर एसटी भाई का सर्विस हो सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे 2-1 नंबर कम भी हो सकते हैं, प्लस माइनस 4 रखने के लिए बोला हूँ, तब भी मैं बोल रहा हूँ मैं थोड़ा बड़ा जड़ा के बोल रहा हूँ। तो अभी एक सर्विस मैन का 35 ही रहेगा, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होगा एक सर्विस मैन सर का। अभी हम लोगों को देखना है दूसरा जो
नंबर ओ। तो दोस्तों इधर आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया, साफ साइड देख रहे हैं। और इसका एक चीज मैंने बताया नहीं, वो एसटी बाई का 33 प्लस हो जाएगा तो मेरा हिसाब से फिजिकल के लिए बुलाएगा। अभी हम लोगों का देखना है दूसरा, जो नोक्सल नोक्सल एरिया में क्या नंबर होना चाहिए। नोक्सल दोस्तों, नोक्सल एरिया में कितना मार्क्स पिछले था वो पहले जानना जरूरी है। पिछले बार नोक्सल एरिया में जो यू आर जनरल कैटेगरी का था उसका था 35 और ओबीसी कैंडिडेट का था 33, एससी का था 33 और एसटी भाई का था 33 और एक सर्विस मैन का 35। तो दोस्तों इस साल कितने नंबर हो सकते हैं। दोस्तों इस साल आप लोगों को फिजिकल में लिए, फिजिकल के लिए बुलाएगा पूरा जो नक्सल क्षेत्रों में 33 में फिजिकल के लिए बुलाएगा। ये मेरा हिसाब से 33 में नक्सल एरिया में फिजिकल के लिए बुलाएगा दोस्तों। और इसका जो मार्क्स होने में सर्विस होगा लगभग सेम ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो मेरा हिसाब से जो मार्क्स था ये आप पकड़ के चलिए तो आपका नक्सल एरिया में हो जाएगा। इससे देखो दोस्तों 33 के नीचे जब मार्क्स आ जाएगा ना वो दिखाएगा नहीं, वो सिर्फ ऐसा डॉट लिखा रहेगा, ऐसा डॉट। ओके, इसलिए 33 मैक्सिमम न्यूनतम आपको उठाना ही है। जो 33 के नीचे आ जाएगा उसका दोस्तों कैंसिल हो सकता है, वो बंदा फेल हो सकता है। इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, पर उसमें डॉट लिखा रहता है। तो सेम मैं इस बार यू आर का मैक्सिमम हो सकता है 35 से लेके 39, मैं 35 से लेके 39 मैक्सिमम और जितने जो था वो सेम रखा हूँ। मैं इसमें भी 33 मैक्सिमम जो हो सकते हैं, एक दो नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं है उसके के लिए। इसलिए भाई जो बंदा अभी तक लगता है इतना नंबर उसको आ जाएगा उसका दोस्तों फिजिकल के लिए तैयारी करना है। फिजिकल के लिए अभी फिजिकल के लिए तैयारी करना है। प्री डिफेंस अकेडमी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन फीस है ओनली 4,999 रुपीज़। ये ओनली फिजिकल का जो कोर्स फीस है, आपका क्लास का रहेगा 100। कोविड सर आप लोगों को फिजिकल के लिए तैयारी कराएगा और आपका रहना खाना जो पड़ेगा वो तो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों को बॉर्डर क्षेत्रों में जाना है। नक्सल और जनरल जो एरिया है वो हो गया, अभी बॉर्डर। दोस्तों अभी बॉर्डर क्षेत्रों में जाना है। बॉर्डर क्षेत्रों में पिछले साल था यू आर का मतलब जनरल का था 41 और ओबीसी कैंडिडेट का था 40 और एस 37 था, एससी कैंडिडेट का 33 था, एसटी कैंडिडेट का 33 और 35 था एक सर्विसमैन सर का। तो दोस्तों अभी इस साल फिजिकल के लिए मुझे लगता है पूरा जो हिस्सा है वो 33 में बुला लेगा, तब भी मैं जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी उसको मैं रखता हूँ 36, पर इसमें मेरा हिसाब से 33 में सबको बुला लेगा। अब ये बंदा का 33 में फिजिकल के लिए बुला लेगा, पर सर्विस कितने में होगा दोस्तों। सर्विस यू आर में सेम हो जाएगा, मुझे लगता है इस साल 37 से लेके मैक्सिमम 42 के अंदर सर्विस आ जाएगा। प्लस माइनस मैं हर टाइम बोलता हूँ 4, पर इसमें बोल रहा हूँ ओनली 2, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी का हो सकता है जो मार्क्स वो है न्यूनतम 37 और सर्वोच्च होता है हो सकता है 42। और एससी भाई का न्यूनतम हो सकता है 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 और 40 के अंदर हो जाएगा। और
जो इधर 33 में ही रहेगा, ऐसे ही मुझे मानना है। तो दोस्तों ये है जो बॉर्डर क्षेत्र है उस एरिया का नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस स्टेट का आपका जानना है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिसमें ज़्यादा कमेंट आएगा जिस स्टेट का, मैं उस स्टेट का वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों ये करने के लिए थोड़ा मुझे रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मुझे टाइम भी देना पड़ेगा। जो प्रीडिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरा जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है उसमें आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। इसमें सिर्फ एडमिशन प्रोसेस ही चल रहा है, दूसरा कोई आप बात नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो ये है उड़ीसा का कट ऑफ। मेरा हिसाब से आप लोगों को इतना तो आ ही गया, और आ गया तो फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दो। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, हम लोग बहुत खुश रहो, और आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं एक सौ फेर्डोस मंडल, तब तक जय हिंद जय भारत।